शुद्ध है, अधिक स्वच्छ है और ये परम परमात्मा को जानने के लिए सबसे अधिक निकट उनके लिए है। सचित आनंद, सत यानी कि सदा अस्तित्व में रहने वाला चित्त और आनंद, सचित आनंद क्या है, सुख प्रसन्नता आसक्ति आदि से परे और निरपेक्ष अवस्था है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिकता है, यानी कि आनंदमय कोष को विकसित करने वाला है। यदि आप एक पशु पक्षी के लिए दाना डालते हैं, आपका आनंदमय कोष विकसित होगा। आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम किसी की मदद कर दिया करो, वृक्ष में पानी डालो, तो उसका आनंदमय कोष विकसित होने लगेगा। उसको कोई आध्यात्मिक साधना करने की जरूरत नहीं है। जिनका आनंदमय कोष विकसित होता है, व्यक्ति में पारदर्शिता आ जाती है, वो आपको बच्चों की तरह सरल रहने लगते हैं और वो सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो स्वयं से पूछना होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं शरीर में ठहरा हुआ हूँ, मैं प्राणों में ठहरा हुआ हूँ, मैं मन में ठहरा हुआ हूँ, विज्ञान में कोष में ठहरा हुआ हूँ, या मैं परम तत्व को जानने के लिए आनंदमय कोष में पहुंच चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आनंदमय कोष शुरू कर रहा हूँ। आप किरण दीदी, आप जब कहेंगे मैं रुक जाऊंगा, मेरी हर स्लाइड संपूर्ण है, मैं रुक जाऊंगा, मैं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब भी आप कहेंगे। तो शरीर से ही ये उसमें कहा है, रामचरितमानस में की जगह लिखा है, सुर दुर्लभ है हमारा शरीर, बड़े भागवान सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गाओ। देवता भी इसकी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि नाव है जो ब्रह्म तक ले जाएगी, इसके बिना नहीं है, तो देवता भी इसकी अपेक्षा करते हैं। तो शरीर से ही ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, इसलिए शरीर को बलवान बनाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य, पहला सुख निरोगी काया हमारे यहाँ हो गया है। शरीर को दो भागों में हम जान सकते हैं, जो बाह्य शरीर है और एक अंदरूनी शरीर है, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, सारे जो तंत्र हैं वो, तो ये सारे सिस्टम है। ये कैसे पुष्ट होता है, पौष्टिक और शुद्ध आहार, पर्याप्त निद्रा, यथाशक्ति व्यायाम और नित्य कार्यरतता। अभी मैं आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, हम काम करेंगे आप आराम करिए, क्योंकि वो एजेंसियाँ आपको पैसा मिलता है, वो आपका सामान भी कहीं भिजवाना है तो लिखेंगे आप आराम करिए हम पैक करेंगे। ये जो आराम की है, हम भाइयों के, आप भी कभी भी दो महिलाओं के बीच की बातचीत को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाइयों की बात होगी, तेरी भाई आएगी नहीं, आज तो छुट्टी लगा के। तो ये जो हम कार्यरतता को हमने खत्म कर दिया, हमारा दुख शुरू हो गया, तो हम अन्य कोष पुष्टि का होगा। जो आप छोटी मोटी, मतलब आप कहीं भी जाते हैं और आप बीमार नहीं पड़ते हैं, बलवान है, ओजपूर्ण आप हैं, सहनशील है, लोच होना चाहिए, लोचपूर्ण और नित्य प्रति के कामों में रुचि होना चाहिए। भूल गया सब कुछ, याद नहीं सब कुछ, ये हमारी विडंबना है, विसंगति है, दुखद स्थिति भी है, परंतु क्या मिला हमको, हमको क्या मिला पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के बाद, क्या मिला, बीमारियों के सबसे बड़े कारण है शुद्ध जीवनचर्या, सेडेंटरी लाइफ, टेंशन, अब तो फोन करो उबर वाला आपके घर खाना दे जाएगा, असंतुलित आहार, अभक्ष्य आहार, तो ये सब कारण है। और हम मेरे, मैं जब MBBS कर रहा था तो मेरे टीचर जो कि विश्व स्तरीय टीचर थे, उन्होंने कहा था कि 55 साल के पहले पुरुष को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है और 60 साल के पहले महिलाओं को नहीं आ सकता है। महिलाओं को जो 5 साल का जो बोनस मिला है वो इसलिए कि वो दुखी होने पर रो लेती है, पुरुष नहीं रोता है। तो महिलाओं को 55 साल की 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक यदि हम डायग्नोज कर लेते थे तो हमको टीचर खा जाने वाले ज्यादा निगाहों से देखते थे। अब तो 18 साल के 17 साल के बच्चों को हमने हार्ट अटैक आते देखा है। कैंसर हमारे यहाँ एक नॉमिनल डिजीज थी, आज प्राइमरी हो गई है। दिल के रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अल्सर, आर्थराइटिस,
आर्थराइटिस घुटने बदलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने घुटने का जो रेट फिक्स कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेंट की रेट फिक्स कर दी है, दिल के रोग होने लगे, तो क्या करें, आप लौट चले, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चलिए, हम बहुत बड़े त्यागी हैं, अंग्रेजी के व्यापारों में हमने संस्कृत छोड़ी, हमने अपनी बोली छोड़ी, हिंदी छोड़ी, मातृभाषा छोड़ी, फिर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ गया। हमारा स्वयं पर दुर्भाग्य की स्थिति है, हमारा स्वयं पर और अपनों पर भरोसा खत्म हो गया। अपने धर्म से हमारा भरोसा उठा, संस्कृति से, परंपराओं से, अपनी उपचार पद्धति से, भाषा से, भूषा से, भोजन से, माता पिता से, रिश्तों से, सब कुछ हमारा भरोसा उठ गया। सिर्फ अंग्रेजी के कारण हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हमने अंग्रेजी को भाषा के रूप में, कोई भी चीज अकेली नहीं आती है, भाषा आती है तो उसके साथ संस्कृति भी आती है, नहीं तो क्या कारण है कि कुछ गलती हो जाती थी तो हम कहते थे हे भगवान, आज कहते हैं ओह शिट, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका पतन कितना ज्यादा हो चुका है, आप किससे मदद मांग रहे हैं, जो आपके शरीर से भार फेंका जाने वाला एक सामान्य क्रिया के तरह भार फेंका जाता है, तो छूते और आपके लिए विषाक्त है, उससे आप कृपा की उम्मीद कर रहे हैं, ओह शिट, ये संस्कृति भी आती है। नई दिल्ली में एक है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, उन्होंने अध्ययन किया है कि जो लोग हिंदी और भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं उनके राइट और लेफ्ट ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है दोनों विकसित होते हैं समान रूप से, और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं उनका सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा विकसित होता है, राइट धीरे धीरे फेंटने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके प्रति प्रेम रखें, दायित्व भाव रखें, स्नेह भाव रखें, तो आप अंग्रेजी में पढ़ाइए, आप जिस भाषा में पढ़ाना पढ़ाइए, परंतु उसको हिंदी पढ़ने के लिए, मातृभाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए कि रोज अखबार पढ़े, इससे ब्रेन के दोनों हिस्से विकसित होते हैं, दोनों स्टिमुलेट होते हैं, ये बहुत बड़ा अध्ययन है। अब हम शरीर की तरफ आते हैं, अथर्ववेद में लिखा है अष्ट चक्राणां द्वारा देवानां पुरोध्या, मैं जब यूनिटी पढ़ाता हूँ बच्चों को रोग प्रतिरोधक तंत्र, ये श्लोक से ही शुरू करता हूँ। हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि हम बीमार नहीं पड़ सकते, अयोध्या यानी जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके, हम कोशिश करते हैं कि हम बीमार पड़े, शरीर में स्वस्थ रखने की अंतिम क्षमता है, हमारा लीवर 500 गुना काम कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है, परंतु हम बीमार करना चाहते हैं। स्वस्थ रहने के 5 सूत्र यदि आपने याद रख लिए और इस पे अमल कर दिया तो आप जिंदगी पर बीमार नहीं होंगे। पर्याप्त प्राणवायु जरूरी है, इसके लिए 10-15 मिनट का सुबह शाम गहरी सांस का अभ्यास करें, संतुलित और समय भोजन करें, घर का भरा भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, और जब शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के सम्मेलन से दहन होता है तो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा तो बनती है, साथ में विजातीय पदार्थ भी बनते हैं जिनका निष्कासन जरूरी होता है, तो उनके निष्कासन के लिए हमारे शरीर में व्यवस्था है, हमारे शरीर में फेफड़ों से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इधर से निकलता है, हमारे शरीर से जो मल मार्ग से भी विजातीय पदार्थ निकलते हैं, हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से भी विजातीय पदार्थ निकलते हैं, हमारे शरीर से स्किन के जरिए भी विजातीय पदार्थ निकलते हैं। चलिए तो जल्दी जागेंगे तो काफी अध्ययन हुए हैं, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, टेक्सास यूनिवर्सिटी में काफी अध्ययन हुए हैं, ये जो बच्चे जागते हैं उनमें अवसाद रहता है और मोटापा आने की संभावना ज्यादा रहती है। अंगड़ाई जरूर लें, जो उठे तो उठने से पहले सुबह की चाय यानी कि अपने भीतर और एसिड डालना, तो सुबह की चाय पेट की है, बासी पानी पिए, आपकी जो थूक है 5 ग्राम थूक सुबह वाली वो $25 की है, बिकती है, कई रोगों में काम में आती है, तो आप बिना ब्रश किए बिना कुल्ला किए पानी पिए, गुस्सा जरूर थूक सुबह सुबह का थूक अनमोल प्यारे समय थूक
तांबे के लोटों में रात को पानी रख कर दिए गए तो कई बीमारियां नहीं होंगी। तांबा बहुत जरूरी भी है। और यदि आप आरओ का पानी पीते हैं भूल जाए तो छोड़ दें, उसको फेंक दें आप। यदि आप कैंसर चाहते हैं तो जरूर, नोबेल प्राइज विनर ओटो वारबर्ग ने कहा है कैंसर का कारण एसिडोसिस है और इससे जो पानी बनता है वो एसिडिक होता है। और आप रोज मरने के लिए हम पानी पीते हैं, आरओ फेंक दें आप। और इस तरीके से जहां तक सोच का सवाल है, सोच कमोड पे नहीं भारतीय पद्धति से करें, ये वैज्ञानिक है। इसके ऊपर नेचर नो बेस्ट, ये जोनाथन डॉक्टर जोनाथन रिपीट ने लिखा है, इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो जिमी गार्डनर को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनका ऑपरेशन उसी दिन करना पड़ा। वहां के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे अमेरिका के माइकल फ्रेडी, उनसे पूछा कि हिजाइस को क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये कमोड है, ये हमारे मानव शरीर के नहीं है, भारतीय पद्धति श्रेष्ठ है। यदि आप कमोड पर वेट कर करते रहे, एक दिन ऐसा आएगा, शोध तो बहुत लंबे देर से बाद में आता है, ताजी हवा का सेवन भी करेंगे बगीचे में, नाश्ता भी करते रहेंगे, आप इसका काम भी निपटाते रहेंगे। टूथब्रश छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, करना ही पड़ेगा, सप्ताह में एक बार नीम की दतों से या फिर हल्दी नमक और सरसों के तेल के मिश्रण से आप ब्रश करें। व्यायाम जरूर करें, व्यायाम से अच्छा कोई काम नहीं है। जब अमेरिका की ऑर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी का 4 साल पहले मैंने पेपर पढ़ा तो उसके बाद मैं अपने घर के 3 बड़े कपड़ों का झाड़ू पोछा मैं खुद करता हूँ। तो ये सबसे अच्छा व्यायाम है। मालिश जरूर करवाएं, तो सीरोटोनिन जो दर्दकारी पदार्थ को कम करता है, डोपामिन कार्टिसोल की मात्रा को कम करता है, प्रसन्नता को देने वाले एंडोर्फिन पैदा होती है। स्नान का जहां तक सवाल है, ठंडे पानी से स्नान करिए, लंबी छोट हुई है, अधोवस्त्र पहनकर करें, रोएदार टॉवेल से बचें और टॉवेल प्रतिदिन धूप में सुखाएं, पतला टॉवेल। ठंडे पानी नहाने से बहुत सारे फायदे हैं, ये पावर पॉइंट दीदी आपको मिलेगी, आप देख सकेंगे। तंग वस्त्र नहीं पहने, भाषा गई भूषा गई भोजन गया, तो आपने टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए, आपको स्किन डिसीज होना शुरू हो गई। ये बीमारी है जिसका नाम है टाइट पेंट सिंड्रोम। एक लड़की 15 साल की और एक 35 साल की लड़की, 15 साल की का किस्सा है, वो अचानक गिर गई, 4 घंटे बेहोश रही, सारे इन्वेस्टिगेशन हुए कुछ पता नहीं चला। बाद में डॉक्टर को समझ में आया तो उसने उसकी पेंट काट दी, शी बिकेम ऑलराइट। तो उसका नाम रखा टाइट पेंट सिंड्रोम। रक्त का दौरा कम हो जाता है, नर्व्स हमारी दबती है। भोजन बहुत प्यारी चीज है, इसको बैठ कर खाएं, भूख लगे तो खाएं, अन्यथा नहीं खाएं। सुबह सबसे ज्यादा, दोपहर को उससे ज्यादा और शाम को बिल्कुल उससे भी एक चौथाई। तो बैठ कर भोजन खान करने का कारण है कि आपकी रक्त प्रवाह का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बैठ कर खाते समय आंखों को पर्याप्त रक्त मिलता है। थोड़ा विश्राम करें, बाइक और करवट लेटे, चम्मच से नहीं खाएं, हाथ से खाएं, नहीं तो डायबिटीज होने की संभावना रहे। दही जरूर खाएं, भगवान श्री कृष्ण को नोबेल प्राइज मिलना था, एलेक्सेंडर को कदी नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने चुरा कर दही खाया, चुरा कर मक्खन खिलाया लोगों को, 1 लाख गायें थी, उनके यहाँ चोरी करने की कोई सवाल नहीं था। उनका संदेश था कि चोरी भी करना पड़े तो दही और मक्खन खिलाओ और हर व्यक्ति को दही मिले। हल्दी से अच्छी अच्छी नहीं है, कड़ी खाएं, कैंसर खाएं, ये हमारे यहाँ का रिसर्च नहीं है, कैंसर रिसर्च सेंटर का कहना है। रात्रि भोज यानी कि कैंसर का पूरा इंतजाम, सोने का मतलब होना नहीं है, खूब सोएं, पर्याप्त सोएं,